वीकेंड का वार एपिसोड में हुई काफी मुद्दों पर चर्चा। सलमान खान ने नेपोटिज्म को लेकर तोड़ी अपनी चुप्पी। जासमिन के धमकी देने के मुद्दे को किया गलत साबित। बिग बॉस को बायस ना कहे इस बात को भी किया क्लियर। सबसे पहले तो बात करते हैं नेपोटिज्म की, जहां सलमान ने क्लियर कहा कि इंडस्ट्री में हर कोई अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर आता है और ऑडियंस ही फैसला लेती है उन्हें रिजेक्ट करना है या अपनाना है। सलमान ने कई सारे नाम भी लिए, अजय देवगन हो, शाहरुख खान हो, उसी के साथ सुनील दत्त और संजय दत्त, ऋषि कपूर, राज कपूर, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स भी उन्होंने दिए कि कैसे सभी की किस्मत उनके टैलेंट से लिखी है। राहुल को भी पूछा कि उन्होंने भी कितनी मेहनत की, तब राहुल ने भी बताया कि वो किस तरह 45 मिनट्स की क्लास के लिए 7 घंटों का सफर तय करते थे। सलमान ने ये भी क्लियर करते हुए राहुल से पूछा कि अगर राहुल उनके बच्चों को म्यूजिक की शिक्षा देंगे तो वो नेपोटिज्म होगी या फिर वो उनका प्यार होगा। यही नहीं, जान को भी सलमान ने पूछा कि जान और राहुल में से फिलहाल ज्यादा मशहूर कौन है, तो जान ने राहुल का ही नाम लिया, जिससे ये प्रूफ भी हो गया कि बड़े नाम से क्या होगा, बात खुद की मेहनत की होती है, जिसे राहुल ने भी एक्सेप्ट किया और जान ने भी सलमान का शुक्रिया अदा किया। एपिसोड की शुरुआत में हुआ रुबीना के दो कठपुतलियों को चुनने का टास्क। जी हाँ, पपेट मास्टर रुबीना की दो कठपुतलियां चुननी थी कंटेस्टेंट को, और हमेशा की तरह आपसी सहमति नहीं हो पाई। फिर सलमान ने सभी को कहा कि बाहर वालों के हिसाब से फिलहाल निशांत और जासमिन हैं उनकी दो कठपुतलियां, पर तीनों ने इन बातों से अपनी सहमति ना जताते हुए अपना पक्ष रखने की कोशिश की। वैसे हम शो में कई बार देखते आए हैं कि किस तरह निशांत कई बार रुबीना की बात बिना कुछ सोचे फॉलो करते हैं, और वही जासमिन को भी गलत चीजों में साथ देते हुए नजर आती है रुबीना। जहां सलमान ने कहा कि राहुल और जासमिन की फाइट के वक्त रुबीना ने आग में घी डालने का काम किया, और बिल्कुल सही था। निक्की के गाली देने पर रुबीना जासमिन को प्रॉब्लम होती है, और जासमिन के गाली देने पर ये कहा जाता है हम बिना बात की गाली नहीं देते, राहुल ये सारी चीजें डिजर्व करते हैं। अगर हम यहाँ देखें, जासमिन ने बिना बात के गाली भी दी और पानी भी फेंका, और रुबीना उनके लिए इस गलत बात पर खड़ी भी हुई। इतना ही नहीं, आज तो रुबीना की ऐसी क्लास ली है कि एंड तक रुबीना का मुंह ही बंद हो गया है। जी हाँ, हिंसा के मुद्दे पर भी बात हुई, जो रुबीना ने कैप्टेंसी के टास्क के वक्त हिंसा हिंसा का नारा लगाया था। टास्क में जो बैग को लेकर छीना झपटी हुई, उसे हिंसा का नाम दिया रुबीना ने, और कहा कि दो लोग एक साथ आकर रूल्स को ब्रेक कर रहे थे। पर जब राहुल ने जासमीन की बैग खींची, तब रुबीना ने भी जासमीन को पकड़ा था, तो वो क्या था, उनका टास्क को लेकर पैशन ही था ताकि जासमीन का बैग राहुल खींच ना पाए, बैग बच जाए। वही अभिनव के साथ जो हुआ वो कोई हिंसा नहीं, बल्कि टास्क को लेकर सभी का पैशन है, सभी की स्ट्रैटेजी है। पर बात यही नहीं रुकी, रुबीना ने और भी एक बात कही थी कि घर में पक्ष उन्हीं का लिया जाएगा जो ज्यादा फुटेज देगा, चैनल को रेटिंग्स देगा, जिसे क्लियर करते हुए सलमान ने फिर एक बार रुबीना को समझाने की कोशिश की कि बिग बॉस को ब्लेम मत कीजिए, बिग बॉस बायस नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन आपस में है, बिग बॉस के साथ नहीं। वेल, सलमान पिछली बार भी रुबीना को ये बात समझा चुके हैं कि बिग बॉस के टास्क में रूल्स के चक्कर में मत पड़ो, टास्क पे फोकस करो। अब होप रुबीना इस बात को समझ के गेम को खेल पाए, क्योंकि निक्की ने भी रुबीना के लिए वोट मांगा ताकि वो अपना गेम और दिखा सके, है ना शॉकिंग की बात। जी हाँ, निक्की को सलमान ने कहा वोट मांगो किसी के लिए, तो उन्होंने रुबीना के लिए जनता से की वोट अपील। वैसे जासमिन को भी सलमान ने साफ कहा कि खामखा बिना बात के बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं थी, और बतंगड़ हो ही गया था उस टास्क के दौरान। वैसे वो टास्क के दौरान जो भी हुआ राहुल और जासमिन के बीच, उसकी ऑडियो क्लिप सलमान ने सुनाई, और सलमान ने क्लियर किया कि कोई धमकी नहीं थी, वो तो प्लीज प्लीज बोलकर गेम को खेलने की कोशिश कर रहे थे। वैसे ये तो जासमिन और राहुल की फाइट की बात हुई, जहां पर जासमिन ने बात को एंड में रोते हुए अपनी स्टाइल में एक्सेप्ट कर कहा कि अब प्लीज मुझे इस बात के लिए कोई आगे घर में हरास ना करें। वैसे जो भी हो, इस वीक होगा एलिमिनेशन, जहां रुबीना, कविता, जासमिन और निशांत इन चारों में से होगा घर से बेघर। तो जानने के लिए हमारे साथ बनी रहिए कि कौन होगा इस घर से बेघर इस हफ्ते के लिए।